जंगल। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत ईसीएल एरिया गेट के सामने एक दिवसीय बंदी का किया आह्वान। ईसीएल के राजमहल परियोजना ललमटिया के एरिया कार्यालय गेट के समीप भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत भारत माता की उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान 18 अगस्त को कॉल इंडिया के निजीकरण के खिलाफ एक दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के अंगद उपाध्याय ने कहा, सरकार श्रमिक विरोधी है, कॉल इंडिया निजीकरण करने जा रही है, कॉल इंडिया जब निजीकरण हाथों में चला जाएगा तो श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। 18 तारीख को बंदी को सफल बनाने के लेकर एक दिवसीय सांकेतिक कार्यक्रम किया गया, आयोजन किया है। पूरे कॉल इंडिया में 24 तारीख से 30 तारीख तक का यह सरकार जगाओ कार्यक्रम प्रत्येक पब्लिक सेक्टर में होने जा रहा है। आज कोयला उद्योग में 30 तारीख को कोयला के सभी मजदूर अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर सरकार जगाओ का कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें कमर्शियल माइनिंग को वापस करना प्रमुख मुद्दा है। 18 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है, उसको लेकर के सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन आपस में मंथन कर रहे हैं और 1 तारीख को संयुक्त रूप से मांग पत्र दिया जाएगा और 18 को पूरे कोल इंडिया जगत बंद रहेगा। इसको लेकर के सरकार जो कांड में तेल डाल करके सो गया है उसको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। कितना अच्छा मौका हम आए हैं, तो नहीं जाना था जो है ना।